दीदी, हमरा यही तो समझ में ना आवा है कि खाद समूह कौची होवा है। देखो, शरीर को पूर्ति करने के लिए आहार विविधता, भोजन में हर प्रकार की लेना बहुत जरूरी है। शरीर के इन जरूरतों को आसानी से पूरी करने के लिए एक प्रकार के भोज्य पदार्थ को एक समूह में रखा गया है। इस प्रकार सारे भोज्य पदार्थ एक अलग अलग समूह में है। ऐसे 10 खाद्य समूह है। पहला खाद्य समूह है माद वाला भोजन। जैसे विभिन्न प्रकार के अनाज, जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार और फिर जड़ तने वाले सब्जियां, जैसे कि मिश्री कंद, आलू, ओल, अरुई, केला इत्यादि, एक खाद्य समूह ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसके सेवन से गर्भवती स्त्री को ताकत मिलती है और साथ ही साथ इसमें रेशे भी पाए जाते हैं, जिससे कब्जियत की शिकायत भी दूर होती है और इसमें विटामिन भी होती है जो खाना पचने में मदद करती है। दूसरे खाद्य समूह में आते हैं मौसमी दाल एवं फलियां, जैसे चना, मूंग, कुर्थी, अरहर, राजमा और सोयाबीन इत्यादि। इस समूह की भोज्य पदार्थ से शरीर की मांसपेशियां बनती है। इसमें मौजूद विटामिन बी की वजह से भोजन पचने में सहायता मिलती है। तीसरा खाद्य समूह बादाम, अखरोट, तिल, सूर्यमुखी, कद्दू और कोहरे का बीज। इस समूह से प्राप्त प्रोटीन उत्तम श्रेणी के होते हैं। इनमें उपस्थित पौष्टिक तत्व हृदय रोग से बचाते हैं। इनमें पाचन के लिए विटामिन बी और मांसपेशियों की मजबूती के लिए प्रोटीन पाए जाते हैं। अब आता है दीदी चौथा समूह, जिसमें मीट मछली या कलेजी। इनमें आयरन, जिंक, ऊर्जा तथा प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जो दिमाग तथा मांसपेशियों की विकास के लिए जरूरी है। अब आते हैं दीदी पांचवा समूह पर, जिसमें आते हैं अंडा, जो प्रोटीन की उत्तम स्रोत है, शिशु की मांसपेशियों और दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। छठा समूह दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ, जैसे छेना, दही, मट्ठा। इस खाद्य समूह द्वारा कैल्शियम तथा प्रोटीन प्राप्त होता है, जो शिशु के दांत एवं हड्डी बनाने और माँ के मजबूत हड्डी के लिए जरूरी है। अब आते हैं दीदी सातवा समूह, जिसमें आते हैं मौसमी एवं हरी पत्तीदार सब्जियां, जैसे चना, पालक या फिर सहजन का साग या फिर फूलगोभी, मूली का पत्ता। यह भोज्य समूह आयरन एवं फॉलिक एसिड प्रदान करता है, जो माँ एवं शिशु को संक्रमण से बचाता है। आयरन से खून बनता है, जिसमें उपस्थित प्रोटीन बच्चे के दिमाग का विकास करता है। आठवां खाद्य समूह पीले फल एवं सब्जियां। यह भोज्य समूह विटामिन ए से भरपूर होता है, जो आंख की रोशनी के लिए जरूरी है, जैसे पका पपीता, गाजर, टमाटर, कोहड़ा, आम, खरबूज, आड़ू इत्यादि। इसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। नौवां खाद्य समूह रंग बिरंगी सब्जियां, जैसे ककड़ी, टमाटर, फूलगोभी, बंद गोभी, मशरूम, प्याज, परवल, बैंगन, नेनुआ, भिंडी। एक खाद्य समूह शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। इसमें उपस्थित रेशे पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं। दसवां खाद्य समूह रंग बिरंगे फल, जैसे सेब, अंगूर, अमरूद, नारियल, खजूर, जामुन, आंवला, कटहल। यह भोज्य समूह बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। गर्भावस्था में इन 10 समूहों में से कम 5 समूह प्रतिदिन का आहार में लेना जरूरी है। और ये सारी चीजें मौसम के अनुसार सस्ती भी होती है और आस पड़ोस में मिल भी जाती है। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई नीलम, जब भी तुम खाना बनाना, आयोडीन नमक डालकर ही बनाना। इससे बच्चे का दिमाग का विकास होता है।